हेलो इकोनॉमिस्ट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे होमोथेटिक प्रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। ये लेक्चर 6 है और उस पूरी लेक्चर सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिल जाएगी, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में पूछा गया था IAS एग्जाम के, और ये 2020 में ही पूछा गया था, यानी पिछले साल ही पूछा गया था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी था। ठीक, तो यहाँ लिखा है डिफाइन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस, एक्सप्लेन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच प्रेफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम। अब ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जाम में पूछा जाए, दूसरे तरीके से पूछा जाए, तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये यूटिलिटी फंक्शन है, ये एक पार्टिकुलर टाइप के प्रेफरेंसेस को दिखाता है। ठीक, तो ये प्रेफरेंस होमोथेटिक कहलाएगा जब आप इसमें कोई चेंज करें, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन करें इस फंक्शन में, कोई चेंज करें, और इसके ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप में कोई चेंज ना हो। ठीक, अब इसे ऐसे समझिए कि अगर एक्स बढ़ेगा तो यूटिलिटी भी बढ़ेगी। इस फंक्शन को आपको देख के पता चला कि अगर x बढ़ेगा तो यूटिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर y बढ़ेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगी। अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ कि अब आप इसी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई 1/2 होल पावर 1/2। अब देखिए, अब मैं दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इस पे स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा एक्स वाई, क्योंकि ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और 1 बचेगा। तो अब ये तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वो जो रिलेशनशिप था इनका, ऑर्डर था रिलेशनशिप का, वो भी प्रिजर्व है, यानी कि यहाँ भी अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, इस फंक्शन में भी वही होगा। लेकिन यूटिलिटी लेवल दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि इसका जब इंडिफरेंस कर्व खींचेगा तो ये नीचे होगा, और इसका इंडिफरेंस कर्व आप खींचेगा तो इससे काफ़ी ऊपर होगा ये। ठीक, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो अनचेंज्ड है। ठीक, क्योंकि यूटिलिटी लेवल बड़ा है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप जो मैं बोल रहा था कि ये एक्स बढ़ेगा तो यूटिलिटी भी बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा तो यूटिलिटी भी बढ़ेगा, वो उसी तरह रहता है। अब एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर देता हूँ इसी फंक्शन में, जैसे मैं लिख देता हूँ यू प्लस 1 इस फंक्शन में ही, ये भी इसी फंक्शन में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इसमें भी यही करता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई 1/2 + 1। तो इसमें भी देखिए कि एक्स बढ़ेगा तो ये यूटिलिटी बढ़ेगा और वाई बढ़ेगा तो यूटिलिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसमें भी वही है। और एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड का, ठीक, लॉगरिथम ले लिया, जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया लॉगरिथम ले लिया यू लॉग यू, और फिर यहाँ ले लिया मैंने यहाँ 1/2 लॉग एक्स हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग वाई हो जाएगा। अगर मैंने इसका लॉगरिथम लिया इस फंक्शन का तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ भी वही रूल रहेगा कि अगर एक्स बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा और अगर वाई बढ़ेगा तो यू बढ़ेगा, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप है उसमें कोई चेंज नहीं आया। यूटिलिटी की वैल्यू में चेंज आ सकती है ऐसा करने से, और एक्स वाई में तो खैर वही करना है जो एक्स वाई का वैल्यू रहेगा, लेकिन यूटिलिटी में यहाँ चेंज आ सकता है, रिलेशनशिप ऑर्डर चेंज नहीं होंगे। ठीक, तो ये कहलाता है, इसे हम कहते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इस प्रोसेस को हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब आप इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि होमोथेटिक प्रेफरेंसेस एक ऐसे प्रेफरेंसेस है जिसका MRS, जो MRS है वो हमेशा एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक, उसका MRS हमेशा एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है, ये होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। जरूरी नहीं कि एक्स बाई वाई भी हो, ये वाई बाई एक्स भी हो सकता है, यानी कि एक्स और वाई के रेशियो पे डिपेंड करता हो वो जैसा भी हो। अब जैसे इस यूटिलिटी फंक्शन की मैं बात कर रहा था, तो चलिए हम देखते हैं, जैसे ये आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है ये कोप डोगलास यूटिलिटी फंक्शन है, और इसमें
हम देखते हैं कि ये होमोथेटिक है या नहीं है। ठीक, अब जैसे देखिए, पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इरेज कर लिया, और अब देखिए कि यहाँ u इज इक्वल टू मैंने ये लिख दिया x बाय वाई। ठीक, ये कोब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक, और फिर मैं इसी फंक्शन को यहाँ ले लेता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ u स्क्वायर x बाय वाई। ये दोनों सेम ही है, बस ये इसका इसको आप ऐसे लिख सकते थे, x बाय वाई वन बाय टू। तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ टू हो जाएगा लेकिन यहाँ वन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि ये तो मैंने चेंज कर दिया फंक्शन को, इसमें एक मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इनके MRS में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम इसका MRS कैलकुलेट करते हैं। MRS कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यानी MRS इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम MRS कैलकुलेट करते हैं। तो यही फॉर्मूला इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। तो जब आप इसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकालिएगा, यानी कि पार्शल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालिएगा, तो ये क्या होगा, 1 बाय टू और x टू द पावर माइनस 1 बाय टू हो जाएगा, और ये y पावर 1 बाय टू होगा। ये मैं पहले कर चुका हूँ, पहले के वीडियोस में मैं इसका पूरा MRS निकाल चुका हूँ। इसी तरह जब आप y का निकालिए या मार्जिनल यूटिलिटी निकालिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय टू एक्स माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा यहाँ पे, वहाँ यहाँ वन बाई टू हो जाएगा, और y पे इस बार माइनस वन बाई टू होगा। ठीक, और इसी तरह जब इस फॉर्मूले में आप इसे रखिएगा, तो ये वन बाई टू तो ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ बचेगा x टू द पावर वन, तो ये ऐसे हो जाएगा कि ये x माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा, और ये जो माइनस है इसमें तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ ऑलरेडी वन बाई टू है, और ये भी ऊपर चला जाएगा वन बाई टू, और नीचे x का 1 बाई टू ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये वाला नीचे आ जाएगा x 1 बाई टू। यानी कि जो MRS आपका निकलेगा वो इसका क्या होगा, MRS इज इक्वल टू y बाय x हो जाएगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में देख ले, मैंने इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाला है, तो ये y बाय x निकल गया। ठीक, अब मैं यहाँ निकालता हूँ। अब मैं इस यूटिलिटी को मान लेता हूँ, ये कोई भी यूटिलिटी है, और ये फंक्शन है, ये सेम फंक्शन है, बस मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ भी आप जब मार्जिनल MRS निकालिएगा, और उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आपको निकालना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x दीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा y, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x निकलेगा। यानी कि MRS इज इक्वल टू हो जाएगा y बाय x। ठीक, तो इस तरह से दोनों में आपने देखा कि MRS जो निकला y बाय x ही निकला, भले ही मैंने इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया हो। इसी तरह जब आप लॉगरिदम लेकर करेंगे तो उसमें भी सेम रिजल्ट ही आपको मिलेगा। ठीक, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वो भी कर ही देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया u 1 बाय टू लोग x प्लस वन बाय टू लोग y, इसको लॉगरिदम फॉर्म में आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, ये भी लॉगरिदम है, लेकिन इसको हम u ही मानते हैं क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका कोई भी वैल्यू हो। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसका भी जब डिराइवेटिव आप लीजिएगा, जैसे पार्सल डिराइवेटिव जो लेना था हमें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये log x का डिराइवेटिव होता है, लोग x का डिराइवेटिव क्या होता है, 1 बाय x, यहाँ 1 बाय टू पहले से है और 1 बाय x इसका डिराइवेटिव हो जाएगा। इसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, तो ये 1 बाय टू रहेगा और y का डिराइवेटिव क्या हो जाएगा, लोग y का 1 बाय वाई हो जाएगा। यानी फिर से जब आप इसमें रखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x के जगह पे इसे रखिएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की जगह पे इसे रखिएगा, तो ये कट जाएगा और आपके पास MRS इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई। यानी कि इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये फिर से y बाय एक्स आ जाएगा। ठीक, तो
तो अब देखिए कि अब यूटिलिटी में के वैल्यू में चेंज आ रहा है सब जगह, लेकिन जो MRS है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोथेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक, होमोथेटिक फंक्शन उसे कहते हैं जिसमें मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उसके MRS में कोई चेंज नहीं आता है, या ऐसे बोलिए कि होमोथेटिक फंक्शन उसे कहते हैं जिसका MRS हमेशा X और Y के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक, जिसका MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जब कोई होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का जब आप ग्राफ निकालते हैं, तो जो आप अलग अलग यूटिलिटी लेवल पे जब उसकी ग्राफिंग करते हैं तो वो एक सिमिलर ग्राफ बनता है। देखिए ये सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है, बस इसका लेवल ऊपर है। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे इसका MRS क्या है, कुछ है, या 4 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, और इस ग्राफ में इस पॉइंट पे MRS 2 है और इस ग्राफ में इस पॉइंट पे MRS 2 है। ठीक, और जब आप इसे मिलाइएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, ये होमोथेटिक प्रेफरेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप होमोथेटिक प्रेफरेंस में किसी सेम मार्जिनल यूटिलिटी को मिलाइएगा ग्राफ्स पे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो इस तरह करके नहीं जाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये होमोथेटिक प्रेफरेंसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरा मैंने बताया कि हमेशा वो एक्स वाई के रेशियो पे डिपेंड करता है उसका MRS, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और जो उसके ग्राफ्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आए तो आप इन्हीं चीज़ों को लिख सकते हैं, और ग्राफिकल जो कहने की मैंने बात की थी तो इसी तरह ग्राफ बनाकर आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से इस पे यूटिलिटी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये क्या है, ये एक होमोथेटिक प्रेफरेंस का एग्जाम्पल है, यानी कि इसका जो फंक्शन था वो होमोथेटिक प्रेफरेंस को शो करता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी और भी ऐसे क्वेश्चन अगर IAS एग्जाम में पूछे गए होंगे तो वो भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी मैंने बताना था लगभग मैंने बता दिया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और आप तीसरा चैप्टर देखें, निकोलसन एंड स्नाइडर का तीसरा चैप्टर देखें तो उसमें दिया हुआ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया कि नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस क्या होता है, तो नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस इसके उलट होता है। ठीक, नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंस क्या होगा, इसके जस्ट उलट होगा, यानी कि उसका जो रेशियो है वो एक्स वाई पे डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी MRS जो है वो एक्स वाई पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एकदम सिमिलर सिमिलर है, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो हो सकता है ऐसे हो जाए। ठीक, ऊपर लेवल पे जाइएगा, फिर और ऊपर लेवल पे जाइएगा तो कुछ दूसरे टाइप का ही बन जाए, तो वो नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस होता है, उसके ग्राफ इस तरह पैरेलल नहीं होते हैं। अब उसमें क्या होगा कि आप जब आप सिमिलर MRS को मिलाइएगा तो उसमें हो सकता है ऐसे ऐसे करके टेढ़ा बन जाए, तो वो नॉन होमोथेटिक प्रेफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक, तो यही मेन डिफरेंस है कि इसमें स्ट्रेट लाइन बनता है और इसमें नॉन होमोथेटिक में कर्व बनेगा। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि होमोथेटिक प्रेफरेंस में क्या होता है कि MRS चेंज नहीं होता है, या कि ये MRS का जो MRS जो है हमेशा X और Y के रेशियो पे डिपेंड करता है, और जब आप उसके अलग अलग यूटिलिटी लेवल पे जब आप उसके MRS को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये होमोथेटिक प्रेफरेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए ठीक है, अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।